शहर में हुई हिंसा के बाद जहां जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं लगातार जिले में आला अधिकारी मुस्तैदी से तैनात है। हालांकि हिंसा के बाद पुलिस की तरफ से 19 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के मामले में 11 लोगों को जेल भेजा गया। पुलिस ने अलग अलग 3 FIR दर्ज की, जिसके बाद शाही काली मस्जिद के इमाम की पहल के साथ जनपद भर के तमाम मौलवी और प्रशासन के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जनपद वासियों से प्रेम और सौहार्द के साथ रहने की अपील की। मौलाना ने मुस्लिम समाज से अल्लाह और उसके रसूल के बताए रास्ते पर चलने की नसीहत दी। साथ ही जिलाधिकारी अब इन सब उलेमाओं के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को हिंसा के रास्ते पर न चलने के लिए जागरूक करेंगे। देखिए, हमारी कोशिश है कि अलग अलग धर्मगुरुओं से बैठकर हो या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से हो, उनसे शांति की अपील की जा रही है। अभी आपने देखा कि कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में मुस्लिम समाज के जितने धर्मगुरु हैं, मौलवी हैं, जो एडुकेटेड आदमी एडवोकेट हैं, उनको बुला के संवाद किया गया। उनसे ये भी पूछा गया कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रखे जाएं, प्रशासन की तरफ से जो उनकी अपेक्षा हो इस बात को सुना गया, और उनसे बताया गया कि जिन भ्रांतियों के कारण 2 दिन पहले यहाँ कानून व्यवस्था कुछ देर के लिए बिगड़ गई थी, वो आगे न रिपीट हो, इसलिए कस्बे कस्बे में 100 या 200 घर पे एक एक जो रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर किया जाए, और प्रशासन से भी कुछ अपेक्षित हो तो हमसे सीधा संवाद किया जाए।